गाइज वेलकम बैक टू पोकेमोन शील्ड रैंडमाइजर। गाइज आज मैं स्टीवन को हराने वाला हूँ। यार पिछले एपिसोड में आप लोगों ने ये देखा था कि गाइज चैंपियन स्टीवन जो कि हुएन रीजन का चैंपियन है उसने मेरे को बहुत ही मतलब कमाल तरीके से हरा दिया था। ठीक है, अब गाइज मैं अपने टीम में कुछ चेंजेस कर डाला हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस है, कुछ नहीं। ठीक है, तो आज लेकिन यार चैंपियन स्टीवन बचेगा नहीं। ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं चैंपियन स्टीवन को एक ही बार में हरा सकूं। ठीक है, मैं सिंथिया के साथ भी गाइस पहली बार हारा था एंड दूसरा बार जीता था, इस बार भी गाइस स्टीवन के साथ भी यही होने वाला है। तो चलो गाइस विंडाउन स्टेडियम चलते हैं एंड देन गाइस चैंपियनशिप मुकाबले के लिए स्टीवन को लड़काते हैं। लेट्स डू इट गाइस। आगे हैं गाइस विंडाउन स्टेडियम, फटाक से अंदर चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या स्टीवन मेरे साथ पहला मुकाबला करेगा या फिर कोई और आएगा। लेट्स फाइंड आउट गाइस। गाइस स्टीवन के साथ पहला मुकाबला तो नहीं हो रहा है, स्टीवन वर्सेस इकला हो रहा है। आई थिंक गाइस डेफिनेटली स्टीवन जीतेगा ये वे सेकंड मुकाबला। अभी मुझे फिलहाल लड़ना पड़ेगा गाइस माइलो के संग। चलो गाइस माइलो को हरा देते हैं, इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं। ठीक है माइलो कम ऑन, आई एम वेरी हैप्पी टू फेस यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। यार बहुत दिनों के बाद गाइस माइलो के साथ मैं पंगा करने वाला हूँ। डोंट थिंक आई एम द सेम माइलो एज इन द जिम चैलेंज, यू आर द ग्रेट चैंपियन आफ्टर ऑल, इट वुड बी रूड नॉट टू गो ऑल आउट। गाइज ये अभी तक मेरे को चैंपियन करके ही बोल रहा है, हालांकि गाइज मैं चैंपियन हूँ बट स्टीवन ने मेरे को हरा दिया, इसका मतलब अभी के लिए गाइज स्टीवन इज द करेंट चैंपियन। ऑल राइट गाइज, इसने लूडी कोलो को भेजा। ऑल राइट, मैंने आप लोगों को अपना टीम नहीं दिखाया ना, आप लोग देखने ही वाले हो। वैसे चलो गाइस मैं फ्लाई मूव यूज़ करूंगा अभी लूडी कोलो के ऊपर। ओ ये फेक आउट यूज़ कर रहा है क्या? ओ शिट गाइस मैं तो फ्लिंच हो जाऊंगा अभी। ओ नहीं मैं बच गया यार, फ्लिंच होने से बच गया यार। फेक आउट से ज़्यादातर पोकेमॉन फ्लिंच हो जाते हैं, यानी गाइस मूव यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं फ्लाई यूज़ करा एंड गाइस लूडी कोलो को बहुत ही आराम से हरा दिया। ठीक है माइलो अभी पोकेमॉन 60-65 ऐसे करके लेवल के पोकेमॉनों को निकालेंगे। ये है गाइस मेरा करंट टीम, जैसे कि देख पा रहे हो मैंने जारूड को लेकर के आ गया हूँ। जारूड इज नॉट ए लेजेंडरी पोकेमॉन गाइस, जारूड एक मिथिकल पोकेमॉन है, तो इसलिए गाइस जारूड को मैं लेके आ गया। ठीक है एंड जारूड इज वेरी ओपी एंड जारूड कर लेगा ब्रो बेलोसोम। ओके डेफिनेटली गाइस आई एम गोना यूज चैंडेलियर को भेजो क्या? चलो गाइस चैंडेलियर को नहीं, चारिजार्ड को भेज लें। चलो नहीं चैंडेलियर को भेज लें। चलो गाइस अब मजा आने वाला है ब्रो। एंड गाइस मैंने सारे पोकेमोनों को एक एक आइटम दे दिया है, इसको मैंने दे के रखा है स्पेल टैग। इससे गाइस घोस्ट टाइप मूव्स पावरफुल बन जाते हैं, आई मीन घोस्ट टाइप पोकेमोन पावरफुल बन जाते हैं। ठीक है ऑलराइट गाइस बेलोसोम इज हियर। ऑलराइट तो आप लोग देखिएगा। ठीक है आई थिंक गाइस एक ही फटके में बेलोसोम को भी उड़ा देगा ये, अगर गाइस मैं ओवरहीट जैसा मूव यूज करूंगा। वैसे भी गाइस ओवरहीट इज अ वेरी ओपी मूव, 100% एक ही शॉट में उड़ा देगा यार। एंड चैंडेलियर इज ए ओपी पोकेमॉन। ठीक है एंड आज चैंडेलियर अपना ओपी पावर दिखाएगा गाइस सेकंड बैटल में स्टीवन के साथ। ऑलराइट तो इनका अभी तीसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है? चेरीम। ऑलराइट आई एम गोना स्विच माय पोकेमॉन एंड अब चारिजार्ड को भेजते हैं। चलो स्विच कर करके बैटल करने में ज्यादा मजा आ जाता है गाइस। एंड यार कल भी मैंने बोला था कि पोकेमॉन ओपालो का एपिसोड आएगा, नहीं आया। आज बोल रहा हूँ गाइस आज तो पोकेमॉन ओपालो का सेकेंड एपिसोड आ जाएगा। ठीक है डेफिनेटली आ जाएगा, सैटरडे है ना, आप लोग भी बहुत सारे भाइयों का तो स्कूल बंद भी होगा शायद, तो इसलिए आज आप लोग आराम से देख पाओगे। इरप्शन यूज करते हैं। चलो गाइस ओके चारिजार्ड, इरप्शन इज अ वेरी ओपी मूव, आराम से एक ही शॉट में उड़ा के रख देंगे। यस गाइस अब इसका फोर्थ नंबर पोकेमॉन आने वाला है। जल्दी से मुझे ये बैटल समाप्त करना है, मुझे स्टीवन को हराना है यार। आई वॉन्ट टू फेस स्टीवन एंड उसको दिखाना है कि बोल भाई के साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है एल्डर ग्रॉस। ओके ओके ये एल्डर ग्रॉस गाइस, एल्डर ग्रॉस नहीं सॉरी एल्डी ग्रॉस गाइस पोकेमॉन यूनाइट पे भी है ना। हाँ गाइस ये पोकेमॉन यूनाइट पे भी है, ह्यूरिकेन यूज करते हैं। चलो गाइस ओके विंड टाइप मूव यूज कर रहा हूँ ब्रो, आई मीन फ्लाइंग टाइप। ओके खत्म, इट्स सुपर इफेक्टिव। अब लास्ट पोकेमॉन ये निकालने वाला है, ओ लास्ट नहीं इसका शायद से ये पांचवा पोकेमॉन होगा एप्पल ट्यून। ओके एप्पल ट्यून को भेजा इसने, एप्पल ट्यून गाइस ये एप्पल ट्यून और ये जो है गाइस एप्लाइन का वो विकसित रूप ड्रैगन, वो ये दोनों एक ही है क्या? अच्छा ये तो जाइगेंडामैक्स करा रहा है यार एप्पल ट्यून। ओ हाँ गाइस ये एप्पल ट्यून जैसे कि देख पा रहे हो इसने जाइगेंडामैक्स करा यार, ये डायनामैक्स नहीं गाइस ये जाइगेंडामैक्स फॉर्म है। ओके एप्पल से निकला हुआ पोकेमॉन है ब्रो, चार्जर भी जाइगेंडामैक्स कर सकता है बट मैं ह्यूरिकेन यूज करके देखूंगा। अरे यार वन शॉट ही बोल दिया यार विदाउट इवन डायनामैक्सिंग, ये गाइस लेवल एडवांटेज भी है। ठीक है चार्जर का लेवल बहुत ज्यादा है ना, इसलिए गाइस
एंड गाइस लेवल मुझे 100 का रखना पड़ेगा ही बिकॉज गाइस स्टीवन के पास सारे के सारे 100 लेवल के पोकेमॉन ही है। जंगल हीलिंग सीखना चाहता है गाइस, डेफिनेटली आई शुड टीच हिम जंगल हीलिंग। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ गाइस, जंगल हीलिंग से ना यार अपने आप को यार आराम से यार रिवाइव कर सकता है। ठीक है, मैं यार क्या करूँ गाइस, आई एम ब्रेव बर्ड के जगह गाइस जंगल हीलिंग ही रखते हैं। चलो लेट्स डू इट, मज़ा आने वाला है। मैंने इसको हरा दिया हूँ, ओके डन। माइलो क्या बोलोगे तुम, द पावर ऑफ ग्रास हैज बीन विल्टेड, यू आर क्वाइट द चैंपियन, थैंक यू सो मच यार। अब देखते हैं स्टीवन पास हुआ कि नहीं। ऑलराइट स्टीवन ने पास करा कि नहीं। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है गाइस, स्टीवन को इकला ने हरा दिया यार, इकला इज दैट स्ट्रॉन्ग क्या? हो गाइस मुझे शायद से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं स्टीवन के साथ बदल ही नहीं कर पाऊंगा यार। कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, चलो फटाक से रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, वन इटर्निटी लेटर गाइस, स्टीवन के साथ तो नहीं, स्टीवन वर्सेस नेसा हो रहा है रिस्टार्ट करने के बाद। मेरे साथ बैटल करने वाला है गाइस अपना सबका फेवरेट गाइस पोकेमॉन, हमने पसंद किया उसी के वजह से, एंड वो बंदा है गाइस द चैंपियन एस केचम। यार एस केचम अभी सीरीज में तो है नहीं, बट मेरे दिल में एंड आप लोगों के दिल में है। तो ये जो बैटल होने वाला है, ये दिल का बैटल होने जा रहा है गाइस, दिल का बैटल। ठीक है, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू बैटल एस केचम, एंड मैं रेस्पेक्टफुली इनके साथ बैटल करने वाला हूँ। आई एम एस केचम फ्रॉम पैलेट टाउन एंड आई एम गोना बी ए पोकेमॉन मास्टर। यस गाइस, एंड इन्होंने मैं रेस्पेक्ट दे करके बोलूंगा ब्रो, बिकॉज यार एस केचम इज एन इमोशन यार। तो यार देखते हैं एस केचम के पास पहला एक ग्रेट बॉल फेंकना, ड्रैगनाइट। ओ वाओ, तो इनके पास भी ड्रैगनाइट है। ऑल राइट गाइस, तो मैं भेज रहा हूँ गाइस मैचम को। अब मजा आने वाला है ब्रो, अब बहुत ही कमाल का बैटल होने वाला है गाइस, देखते हैं। ओके, मैं स्टोन एज यूज करना चाहूंगा गाइस, ये ड्रैगन डांस यूज कर रहा है। ड्रैगन डांस से गाइस अटैक का जो ये है आई थिंक अटैक स्टेटस बढ़ जाएगा गाइस। ऑल राइट, अटैक राइज हो गया जैसे कि देख पा रहे हो, एंड मैं स्टोन एज यूज करो। देखते हैं गाइस ड्रैगनाइट को कितना फटका दे पाएंगे। अच्छा खासा ही फटका दिया, बट मैं ड्रैगनाइट को हरा नहीं पाया। ठीक है, काफी बढ़िया बैटल होने वाला है गाइस। चलो मैं फिर से एक काम करते हैं गाइस, थंडर पंच यूज करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ड्रैगनाइट ह्यूरिकेन यूज कर रहे हैं। ओके, इसको भी फटका। एस इज वेरी पावरफुल यार, एस इज वेरी पावरफुल जैसे कि देख पा रहे हो यार। एंड ये इसके पास लेफ्ट ओवर है क्या? अच्छा ठीक है गाइस, मैं चैम्प इज कन्फ्यूज, मैं थंडर पंच यूज कर रहा हूँ फिर भी। ओह, ड्रैगनाइट को इतना हिला नहीं पाया। अब चलो गाइस सुपर इफेक्टिव मूव स्टोन एज ही यूज करते, ये ड्रैगन क्लॉ यूज कर रहा है। आई थिंक गाइस एस का ड्रैगनाइट जीतेगा पहला वाला यार बैटल। तो एस केचम का ड्रैगनाइट तो जीत चुका है गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो बहुत ही आराम से मुझे हरा दिया। बट गाइस मैं अब एस केचम के ड्रैगनाइट को चैलेंज देने वाला हूँ, मैं अपना ड्रैगनाइट भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट होने वाला है गाइस, एंड ये बैटल काफी ओपी होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आई एम गोना यूज ड्रैगन क्लॉ अपॉन एस ड्रैगनाइट, एंड ओह शिट, ये ओपोजिंग ड्रैगन। शिट गाइस, एस का ड्रैगनाइट तो काफी ओपी निकला यार। ओ भाई साहब, गाइस ये क्या हो रहा है, गाइज ये क्या हो रहा है यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है गाइस। ओके चलो गाइस जारूट को भेजते हैं गाइस, अब मजा आने वाला है ब्रो। वाओ, लेकिन गाइस ड्रैगनाइट के पास अगर कोई फायर टाइप मूव होगा तो यार दिक्कत हो जाएगा। आई एम गोना यूज, क्या यूज करूँ गाइस ड्रैगनाइट के ऊपर, डाइव ही यूज करते। ठीक है, ये ह्यूरिकेन यूज कर रहा है। शिट शिट, ओह नो गाइस, नो 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 नो, इट्स सुपर इफेक्टिव यार गाइस, मैं शायद से एस का ड्रैगनाइट को हरा नहीं पाऊंगा, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, अपने जारूट के पास भी लेफ्ट ओवर्स है, ये कंफ्यूज है ब्रो, जारूट क्या तू यूज कर पाएगा? यूज डाइव, ओके बेटे, जाले 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 जाले, पानी के अंदर जा चुका है गाइस जारूट, एंड जारूट का यार एचपी थोड़ा सा बढ़ गया है जैसे कि देख पा रहे हो। ह्यूरिकेन यूज कर रहा था, जारूट ने अवॉइड करा, एंड देन गाइस आई एम गोना व्हाट, अरे गाइस यार इसने अपने आप को ही हर्ट कर डाला कन्फ्यूजन में यार, तो डाइव इसके ऊपर लगा नहीं। डैट मीन्स गाइस जारूट कैन नॉट फाइट मैन, जंगल हीलिंग यूज करते हैं यार। चलो ओके, जंगल हीलिंग यूज कर। ऑल राइट गाइस, अब जारूट अपना पावर वापस लेके आने वाला है फॉर श्योर गाइस, देखते हैं। ओके ओके ओके, ह्यूरिकेन, अरे नहीं बचेगा यार। ओ जारूट बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया जारूट, बहुत बढ़िया जारूट अभी तक मुकाबला कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट, आई एम गोना यूज, क्या यूज करो, बर्न अप ही यूज करते हैं। चलो गाइस, ये बर्न अप लगता नहीं ब्रो, मैंने बर्न अप क्यों यूज करा यार, बर्न अप लगता नहीं, हमेशा फेल होता है ये, जैसे कि देख पा रहे हो। ये क्यों फेल होता है गाइस, आप लोग को यार पता है क्या, ये बर्न अप मूव क्यों बार बार फेल होते जा रहा है?
ऑल राइट, एक काम करते हैं, क्रॉस चॉप ही मारते हैं ब्रो, फाइटिंग टाइप मूव है, यू कैन यूज कर। अब तो लगेगा इन जारूट गया। ए भाई साहब, गाइस मैं एस केचम के ड्रैगनाइट को ही हिला नहीं पा रहा हूँ गाइस। एस केचम इज दैट मच पावरफुल यार। ओ वाओ, अब गाइस हेक्सोरस को ही निकालना पड़ेगा गाइस। हेक्सोरस इज अ ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, ठीक है, एंड एस के ड्रैगनाइट के ऊपर एडवांटेज तो है ब्रो। देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं क्या नहीं। मैं ब्रेकिंग स्वाइप यूज करने वाला हूँ, ड्रैगन क्लॉ यूज कर। हेक्सोरस टिके रहना दोस्त। नहीं गाइस, एस केचम इज नॉट डेड इजी ब्रो, अब जैसे कि देख पा रहे हो, अब तो मुझे चारिजार्ड को ही निकालना पड़ेगा। देखते हैं गाइस मेरा चारिजार्ड कितना देर तक सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। एस केचम के पास भी चारिजार्ड है यार, मुझे लगा था मैं एस को एक अच्छा वाला टक्कर दे पाऊंगा, बट उल्टा हुआ मैं इसको टक्कर ही नहीं दे पाया। ये ड्रैगन डांस यूज़ कर रहा है एक्चुअली ना, ड्रैगनाइट का अटैक बहुत राइज अप हो गया है, ये ड्रैगन डांस यूज़ कर रहा है ना। ओके ठीक है, एक काम करते शैडो क्लॉ यूज़ करते इसके ऊपर। ओ येलो बार में तो आ गया, बट ये ना अपने एचपी को फुल कर लेता है। ह्यूरिकेन यूज़ करते, चलो फ्लाइंग टाइप मूव, ड्रैगन क्लॉ यूज़ करे चारिजार्ड के ऊपर। ओ ब्रो, हाउ इज दिस इवन हैपनिंग यार, चारिजार्ड तो ड्रैगन टाइप भी नहीं है ब्रो। अब चैंडेलियर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्या लगता है गाइस चैंडेलियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा यार, नहीं गाइस। ओ नो गाइस, ये क्या हो गया गाइस? साइकिक यूज करने, चलो नहीं होगा यार। एस के ड्रैगनाइट ने मेरे पूरे टीम को ही उड़ा डाला। दिस इज द पावर ऑफ एस केचम गाइस। एस केचम ओपी हो जाना चाहिए एस कमेंट सेक्शन में यार। मैं एस केचम को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा, ये तो पक्की बात है यार। मतलब हरा पाएंगे ब्रो, थोड़ा सा यार अपने टीम को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव नो मोर पोकेमॉन टू फाइट यार। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे थोड़े से अपने टीम को चेंज करना पड़ेगा ब्रो, थोड़े से अपने टीम को ना चेंज करना ही पड़ेगा। आई थिंक आई शुड यूज लुकारियो, ठीक है, मैचम के जगह मुझे लुकारियो को ही यूज करना पड़ेगा। यस गाइस, लुकारियो को ही यूज करना पड़ेगा फॉर श्योर। यस, अब लुकारियो को लेके आना पड़ेगा। एंड देन गाइस मैं सोच रहा हूँ गेंगार को लेकर के आने का। जारूड इज गुड, बट चैंडेलियर को आई थिंक चैंडेलियर को हटा दो क्या? जारूड की जगह इंटेलियन को खिला दो। हाँ, इंटेलियन को खिला सकते हैं ब्रो। इंटेलियन इज वेरी गुड वाटर टाइप पोकेमॉन यार। मेरे को एक वाटर टाइप ही चाहिए ना, तो इंटेलियन को रखते हैं ना ब्रो। ओके, काराकोस्टा को भी रख सकते हैं वैसे, बट इंटेलियन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन काराकोस्टा। एंड एक आइस टाइप पोकेमॉन भी चाहिए था मुझे। व्हाट आई एम गोना डू इज, मुझे चैंडेलियर नहीं चाहिए, ठीक है, चैंडेलियर मैं नहीं रखने वाला हूँ अपने टीम में। आई थिंक गाइस मैं मेटाग्रॉस को रखूंगा फॉर श्योर। गाइस मैं मेटाग्रॉस को ही रखूंगा, 86 का है, थोड़ा सा लेवल अप कर लेंगे। हाँ, आप थोड़ा सा टीम स्टेबल लग रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओ आई थिंक गाइस मुझे रायपेर को रखना चाहिए क्या? समझ में नहीं आ रहा है ब्रो, चॉइसेस तो है मेरे पास। नो गाइस, मेटाग्रॉस इज मच मोर पावरफुल। तो और एक चीज़ कर लेते हैं, बैग में जा करके थोड़ा सा इन लोग का हेल्थ फुल कर लेना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं गाइस फिर से अगर एस केचम के साथ बैटल हो जाए ना तो दिक्कत हो जाएगा। चलो गाइस मैं लेवल अप कर लेता हूँ एंड आप सभी भाइयों से मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, फिर से एस केचम के साथ बैटल होने जा रहा है, ठीक है, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो चलो गाइस, इस बार मैंने अपने टीम में चेंजेस करे हैं, देखते हैं गाइस इस बार मैं एस केचम को हरा पाऊंगा कि नहीं यार। एस केचम सर, आपसे फिर से बैटल करने में यार बहुत ही मजा आएगा, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मैं बैटल कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट गाइस, चलो देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने इनके ड्रैगनाइट को हिला भी नहीं पाया था यार, सीरियसली बता रहे हैं, हिला भी नहीं पाया था यार। स्टीवन के तो मैंने लास्ट पोकेमॉन तक लेके गया, एस केचम का मैंने ड्रैगनाइट को ही नहीं लाया ब्रो। एंड इस बार मैं भेज रहा हूँ गाइस इंटेलियन को पहले स्पॉट पे, दो रीजन के लिए, बिकॉज ये आइस टाइप मूव यूज कर पाएगा। तो चलो गाइस, इंटेलियन का आइस टाइप आइस बीम यूज करते हैं।
पी बोल्टे ब्रादर। एंड इसी के साथ जैसे कि देख पा रहे हो यार, ड्रैगनाइट का इतना सा हेल्थ हो गया बिकॉज इंटेलियन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन गाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, ठीक है। एंड ये अब ड्रैगन डांस यूज कर रहा है, इसका मतलब गाइस ड्रैगनाइट अभी खतरनाक वाला हमला करने वाला है। पर आई डोंट थिंक सो ड्रैगनाइट बचेगा, देखते हैं फिर भी, ठीक है। ड्रैगन क्लॉ से कितना फर्क पड़े। व्हाट गाइस, ये क्या हो गया यार? गाइस मैंने बोला था ना गाइस, ड्रैगनाइट अपना जलवा दिखाने वाला है। ड्रैगनाइट ने अपना जलवा दिखाई दिया, ठीक है। एंड गाइस इस बार मेरी टीम में मेटाक्रॉस भी है। ओके तो गाइस मुझे अब जो करना पड़ेगा सोच समझ करके करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आई एम गोना यूज लुकारियो, ठीक है। मुझे लुकारियो को यूज़ करना पड़ेगा। लुकारियो कर लेगा ब्रो, लुकारियो के ऊपर मुझे इतना तो भरोसा है, अंधाधुन भरोसा है ब्रो। ये अंधाधुन भरोसा तोड़ेगा नहीं मुझे लग रहा है। Hurricane use kar raha hai, please please Lucario, can you survive? Can you survive? Yes, he can survive. And I think guys ye confused state mein hai, but Lucario I think Dragonite ko ura ke rakh dega. Dekhte hain, theek hai, dekhte hain, theek hai. Fingers crossed, apne aap ko hurt kar mat kar lena dost. Nice, Dragonite ko finally hara diya. Ab guys hame S Ketchum ke dusre Pokemon ko dekhne ka mauka milega yaar, ab maza aane wala hai yaar. Finally guys maine Dragonite ko to hara diya yaar. And Inteleon ne bahut मदद करा यार, सर्फ एच। ओह शिट मैन, सर्फ एच राइट, फ्लाइंग के अगेंस्ट कोई थंडर, आई थिंक गाइस मुझे लग रहा है कि मुझे हेक्सोरस को थोड़ा बहुत प्ले कराना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गोना सेंड आउट गाइस हेक्सोरस, ठीक है। दो रीजंस के लिए सेंड कर रहा हूँ हेक्सोरस को। सर्फ एच एक फ्लाइंग पोकेमॉन है, ठीक है। सर्फेस फ्लाइंग नहीं है आई थिंक गाइस, सर्फेस इज नॉट फ्लाइंग, ये ग्रास होगा शायद। सर्फेस का ये टाइप क्या है? वो नॉर्मल वाला फर्फेस तो ये था, नॉर्मल वाला फर्फेस नॉर्मल ही था यार। ऑलराइट गाइस क्लोज कॉम्बैट यूज करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं गाइस। ये डिटेक यूज कर रहे हैं, इसने मेरे अटैक को डिटेक कर लिया। अब इसने प्रोटेक्ट भी कर दिया होगा शायद से, हाँ डिटेक करके इसने प्रोटेक्ट कर दिया। वेट अ मिनट गाइस, आई एम गोना यूज ड्रैगन टाइप मूव ब्रेकिंग स्वाइप यूज करते, ठीक है। कमान हेक्सोरस, तू तो अपना चैंपियन टीम में था ना ब्रो, तू तो कर सकता है यार। सर्फेज को हरा यार, अटैक फेल हो चुका है सर्फेज का। मीटियर असॉल्ट यूज करो। व्हाट इज दिस मैन, यो ये जो भी मूव है काफी खतरनाक लग रहा है। ये बाप रे, क्या धमाका हुआ इधर। ओके गाइज आई एम गोना यूज अगेन, क्लोज कॉम्बैट मारते हैं इसके ऊपर। चलो गाइज अब देखते हैं, काफी फटका दिया मैंने सर्फेज को। ऑलराइट अब क्या होगा देखते हैं। सर्फेज मच रिसर्च, ओके तो चलो गाइस आप ब्रेकिंग स्वाइप मार करके आई थिंक गाइस मैं सर्फेज को भी मैदान से उड़ा पाऊंगा। यस गाइस मैंने सर्फेज को भी हरा दिया। एस केचम के मैंने दूसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया यार। ओके ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है यार। ड्रैकोविच, ओके ड्रैकोविच राइट गाइस, अब मुझे थोड़ा सा गेम प्ले को समझ करके फाइट करना पड़ेगा। ड्रैकोविच चलो वेरी गुड, बढ़िया है ड्रैकोविच गाइस। एक ड्रैगन और वाटर टाइप पोकेमॉन है, ड्रैगन वाटर टाइप ही है ड्रैकोविच। हाँ ये ड्रैगन वाटर टाइप था ना, हाँ ड्रैगन वाटर था ये। अब चलो गाइस ड्रैकोविच लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट मैं इसलिए यूज कर रहा था अपने ऑफिशियस रैन यूज कर। शिट अरे गाइस मैं डायलॉग मारने वाला था, मैं इसलिए यूज करने वाला था मेटाक्रॉस को क्योंकि इसके पास फेरी टाइप मूव है। एंड गाइस ड्रैकोविच को फेरी टाइप मूव से काफी फटका पड़ता है, ठीक है। ड्रैकोविच वाटर ड्रैगन है तो चार्जर्ड विल बी नॉट गुड, बट ड्रैगनाइट मेरा वाला ड्रैगनाइट, चलो देखते हैं गाइस ड्रैकोविच को कितना फटका दे पाएगा। ओह नो, कैन यू यूज ड्रैकोमीटियर आइस फैंग? शिट मैन, ओह अवॉइड कर दे यार ना। ओ थैंक यू सो मच ड्रैगनाइट, तूने अवॉइड कर दिया, नहीं तो गाइस मेरा ड्रैगनाइट भी उड़ जाता यार। ये गाइस ड्रैकोविच को हरा दिया यार, बच गया यार, नहीं तो ड्रैकोविच मेरे को उड़ा देता यार, नहीं तो ड्रैकोविच मेरे को उड़ा देता। वाओ गाइस मजा सा आ गया ब्रो, मजा सा आ गया यार। ओके अब देखते हैं गाइस एस केचम का फोर्थ पोकेमॉन लुकारियो। लुकारियो वर्सेस नहीं करेंगे, कर सकते थे नहीं, लुकारियो वर्सेस ड्रैगनाइट ही करेंगे। चलो यार एस तो अपने पावरफुल से पावरफुल पोकेमॉन को निकाल रहा है यार। आई डोंट थिंक सो गाइस आई कैन स्टील, चलो देखते हैं गाइस, ठीक है। स्टील बीम यूज करो ब्रो, स्टील बीम से मेरे को फटका नहीं पड़ेगा यार, स्टील टाइप मूव से फटका आई डोंट थिंक सो इतना पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा यार।
एंड इसको भी बहुत ज़्यादा फटका पड़ा यार। बट क्यों ऐसा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि लुकाडियो का फटका क्यों पड़ा यार। ऑरा स्पेयर यूज़ कर रहा था बट गाइस मैं तो आसमान में हूँ। अब चलो गाइस स्काई अटैक फ्लाई यूज़ करते हैं एंड लुकाडियो को भी हरा दिया यार। ऑल राइट गाइस, मैंने एस केचम के फोर्थ पोकेमॉन को भी हरा दिया ना गाइस। पिकाचू अब तो आर्या पार होने वाला है ब्रो, अब तो आर्या पार होने वाला है। चलो गाइस अब लुकाडियो वर्सेस पिकाचू करेंगे, ठीक है। एस केचम का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है गाइस पिकाचू, ठीक है। हमेशा साथ दिया है एश का एंड पिकाचू यार बहुत कमाल का बैटल करने वाला है ब्रो, अभी बहुत कमाल का बैटल करने वाला है ब्रो। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि लुकाडियो का हेल्थ जैसे कि देख पा रहा हूँ। बट एक चीज़ है कि अगर गाइस मेरा प्रेसिव ब्लेड्स लग जाता है पिकाचू के ऊपर तब पिकाचू का काफ़ी फटका पड़ेगा। बट थंडर बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, कमॉन लुकाडियो कैन यू सर्वाइव, कैन यू सर्वाइव? नो 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 गाइस, अब थोड़ा सा मामला दिक्कत होगा ब्रो, मामला दिक्कत वाला होगा मैन। ओके चार्जर को भेजेंगे ना तब भी दिक्कत होगा मैन, तब भी, बिकॉज चार्जर इज अ फ्लाइंग फायर राइट एंड फ्लाइंग टाइप आर वेरी वीक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टाइप। देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके चलो रॉक स्लाइड यूज करते, थंडर बोल्ट, एक्सोराज नहीं यार, नहीं मुझे नहीं लग रहा है गाइस। चलो यार इसी को भेजते हैं यार, ठीक है, ड्रैगनाइट को। ड्रैगनाइट का भी एचपी है नहीं। ड्रैगनाइट कैन यू प्लीज अवॉइड पिकाचूस अटैक यार, जैसे तैसे करके तो अवॉइड कर सकता है क्या? थंडरबोल्ट नहीं बचेगा मैन, नहीं बचेगा मैन। अब गाइस चार्जर्ड वर्सेस पिकाचू होने वाला है एंड उसमें फिर से मेरा ही हार होगा ब्रो। आज मैं एच केचम को हरा नहीं पाऊंगा यार, लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि मैं यार पिकाचू तक तो लेकर के आ गया ना ब्रो। पिकाचू इसका लास्ट पोकेमॉन है जिसकी देख पा रहे हो। चलो चार्जर्ड या तो आर्या पार इरप्शन यूज कर, थंडरबोल्ट नो, चार्जर्ड विल बी लॉस्ट मैन। हरा दिया यार एस केचम ने गाइस, मैं एस केचम को हरा नहीं पाया यार, आई एम सो सॉरी गाइस। इस एपिसोड में मैं एस केचम को हरा ही नहीं पाया। एस केचम इज वे मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस एस केचम। एंड एस केचम को हराने के लिए गाइस आप लोग मेरे लिए एक टीम सजेस्ट कर सकते हो क्या? उसमें प्लीज़ गाइस लेजेंडरी को इंक्लूड मत करना, ठीक है। मैं आऊँगा गाइस अगले एपिसोड में, एस केचम को डेफिनेटली हराने की कोशिश करूँगा। एंड इस वीडियो में अगर आ जाते हैं गाइस 1800 लाइक्स तो गाइस मैं एक पोकेमॉन फ्यूजन, मतलब गाइस मैं एक फ्यूजन पोकेमॉन यूज करूंगा गाइस पोकेमॉन शील्ड रैंडमाइजर में। तो वो फ्यूजन पोकेमॉन अगर आप लोगों को देखना है 1800 लाइक्स करा दो, आप लोग कर सकते हो यार। आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, इस वीडियो में आने चाहिए 1800 लाइक्स, ठीक है। बाय बाय, चेकर्स आयो नारा, लव यू।